क्योंकि अफसर जो हैं वह इतने ज़्यादा घूस, जब नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं थे और केवल एक उम्मीद थी कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, बैठ करके बात नहीं करते हैं। आपका CEO हर चीज़ में 2% 3% अगर पैसा लोगे तो घूस मांगेगा। तो देखिए, बहुत दुखद स्थिति है। 2013 में जो मिला था, आज साफ साफ बातें करनी चाहिए थी। जो भी किसानों की मांगे हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा करना, चिंता करना, क्योंकि हम लोगों ने केंद्र से बात किया। केंद्र ने कहा कि जो राशि बिहार सरकार ने भेजी वो राशि हम दे रहे हैं, हम तो इसमें पढ़ते नहीं हैं। और बिहार में बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जो हैं वो जमीन अधिग्रहण के कारण रुकी हुई हैं। जितने भी एक्सप्रेसवे बनने हैं, हाईवेज बनने हैं, नेशनल हाईवेज बनने हैं, आप बैठ करके बात नहीं करते हैं। आपका CEO हर चीज़ में 2% 3% अगर पैसा लोगे तो घूस मांगेगा। तो इस तरह में तो अविश्वास का वातावरण पैदा होता ही है। पूरे देश में इतने बड़े बड़े अधिग्रहण हुए। आज देखिए, दिल्ली से बॉम्बे का नया हाईवे बनके तैयार है, कहीं सड़क पे नहीं हुआ है। दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी राज्यों से वह सड़क गुजर रही है, उसके बावजूद भी कहीं एक शब्द मर्मरिंग हम लोगों ने नहीं सुना, एक शब्द कहीं चर्चा नहीं सुनी कि किसानों में कोई असंतोष हो। यह बिहार की समस्या, और बिहार की समस्या केवल इसलिए है क्योंकि अफसर जो हैं वह इतने ज़्यादा घूस जिन लोगों के जमीन मिलनी होती है उनसे मांगते हैं कि यह विवाद पैदा होता है। जो पैसा देता है नहीं सुनी कि किसानों में कोई असंतोष हो। यह बिहार की समस्या, और बिहार की समस्या केवल इसलिए है क्योंकि अफसर जो हैं वह इतने ज़्यादा घूस जिन लोगों के जमीन मिलनी होती है उनसे मांगते हैं कि यह विवाद पैदा होता है। जो पैसा देता है उसकी ज़मीन को रेजिडेंशियल घोषित कर देते हैं, अगर किसी का घर भी है और उसको पैसा नहीं देता है तो उसको खेती की ज़मीन कर देते हैं। यह बिहार सरकार की अक्षमता है जिसके कारण यह इतना बड़ा बवाल बढ़ा। केंद्र विशेष ध्यान बिहार पे दे रहा है और नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, ये क्या है? क्यों नहीं उन्होंने लिख दिया? वह फिर से चाहते तो 14th फाइनेंस कमीशन का निर्णय को वापस ले लेते और कहते कि नहीं, 42% के बदले अब केवल 32% मिलेगा और हम देश के विभिन्न राज्यों को दर्जा देंगे विशेष राज्य का। जदयू का सांसद फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन बनता है जो कि नीतीश कुमार के द्वारा बनाया हुआ हो, और उसके बावजूद वह एक शब्द नहीं बोलता है। तो यह नीतीश जी केवल बिहार की जनता को बरगलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, कोई उनसे बिहार में कानून व्यवस्था नहीं पूछे, कोई उनसे नौकरी नहीं पूछे, कोई उनसे नहीं यह नहीं पूछे कि 6 साल पहले उत्तर प्रदेश बिहार की तरह था, आज वह 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है। आज वह 10 से 12 फरवरी को जो प्रवास सम्मेलन होने जा रहा है उसमें 10 लाख करोड़ का निवेश केवल एक बगल का उत्तर प्रदेश राज्य करा। आपके यहाँ कोई 10,000 करोड़ का भी निवेशक नहीं है। यह सब प्रश्न नहीं पूछा जाए, इसलिए वह मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। 36 सीट की तैयारी आप लोगों की हो रही है, नीतीश कुमार 40 सीट की हमारी तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार पिछले दफा आप लोगों के साथ थे, इस बार नहीं है, क्या लगता है कि बेनिफिट होगा? क्योंकि जब नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं थे और केवल एक उम्मीद थी कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, तब हम 32 सीटें 40 में जीते थे अपने गठबंधन के तौर पर। और अब जब 9 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री के गरीबों के प्रति काम, गरीबों के उद्धार के लिए काम, मध्यम वर्ग के लिए काम, और केवल एक उम्मीद थी कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, तब हम 32 सीटें 40 में जीते थे अपने गठबंधन के तौर पर। और अब जब 9 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री के गरीबों के प्रति काम, गरीबों के उद्धार के लिए काम, मध्यम वर्ग के लिए काम, देश के बाकी जो प्रदेश है वहाँ जाके देखिए कितने सारे फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, उस तरह के कामों के भरोसे हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद हमें 36 से ज़्यादा सीटों का मिलेगा। तो आप लोग रखेंगे अपने साथ? नीतीश कुमार जी राजनीतिक तौर पर पूरे अप्रासंगिक हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी को कोई पूछने वाला नहीं है, ना देश की राजनीति में, ना बिहार की राजनीति। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386